वेलकम बैक टू पार्ट थ्री, तीसरे हिस्से में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे इस पार्ट में आईडीज़ की, आईडी सेलेक्टर्स जो हमेशा हैश साइन से शुरू होते हैं। एक सवाल जो बहुत लोगों को परेशान करता है, मे बी आपको भी करता है, शायद आपको भी करता है, क्लासेस और आईडी में फ़र्क क्या है? काफ़ी हद तक इनका काम करने का तरीका एक ही है, दोनों से स्टाइल्स बनते हैं। आप एक एलिमेंट पे, चाहे वो डिव हो या स्पैन हो या पैराग्राफ हो या ओएलए हो या यूएल हो, इन सब पे आईडीज भी लगा सकते हैं, क्लासेस भी लगा सकते हैं, स्टाइल्स अप्लाई करते हैं, राइट? हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर एक एलिमेंट पे क्लास भी अप्लाई हो जाए और आईडी भी अप्लाई हो जाए और एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, तो जो आईडी द्वारा अप्लाई की हुई प्रॉपर्टी होगी वो ओवरराइड कर देगी क्लास को, जो कि इन टर्न ओवरराइड कर देती है टैग सेलेक्टर, राइट? पहला डिफरेंस ये है, स्ट्रेंथ में, ताकत में 10 गुना ज़्यादा आईडी क्लास से होती है। आईडी, फिर हम बात कर चुके हैं, यूनिक होती है। यूजुअली अगर आप एक एक वेब पेज को यूजुअली काफ़ी हिस्सों में या काफ़ी बक्सों में या बॉक्सेस में या डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हेडर है, फुटर है, कंटेंट एरिया, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, तो अगर हम इस तरह आईडीज देते हैं, डिव आईडी इज इक्वल टू हेडर, आईडी इज इक्वल टू फुटर, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, तो ये सब क्या है? ये ही तो आईडीज हैं। आप देखेंगे कि अगर हम एक डिविजन को लेफ्ट साइड बार या राइट साइड बार यूनिक आईडी देते हैं, उसको रिपीट नहीं करते हैं। क्लासेस हम देख चुके हैं पिछले भाग में, पिछले हिस्से में, कि आप उसको बार बार लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, आईडीज को नहीं कर सकते। तो अब हमारे भारतवर्ष में एक ही मध्य प्रदेश है, एक ही उत्तर प्रदेश है, दो उत्तर प्रदेश नहीं है, राइट? सो सिमिलरली आपके एक वेब पेज पे आईडी एक ही होगी, दो नहीं होंगी। यूज़ करेंगे, वैलिडेट नहीं करेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आईडीज ऑलवेज यूनिक, ऐसे फायर क्रैकर की तरह है जो आप एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, दोबारा आप यूज़ करना भी चाहें तो आप कर नहीं पाएंगे। ड्रीम व्यूअर तो एटलीस्ट आपको अलाउ नहीं करेगा, मेन्यू ड्रिवन ऑप्शन से। एनीवेज, सो ये एक मेजर डिफरेंस है। अब एक काम करते हैं, इस हमारे वेब पेज पे एक ही डिव है, तो हम इस डिव पे एक आईडी अप्लाई कर देते हैं। सो लेट्स से आईडी बाद में बनाते हैं, अप्लाई पहले कर देते हैं। सो आईडी एंड लेट्स से हैश स्टाइल वन अगेन। फिर से स्टाइल वन, स्टाइल वन, ये मैंने जानबूझ के किया। देखिए, क्लास का नाम भी स्टाइल वन, आईडी का नाम भी स्टाइल वन। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एज लॉन्ग एज एक के आगे हैश, एक के आगे फुल स्टॉप है। तो सबसे पहले मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ। लेट्स गो टू दी एक्स टी डॉट सी एस एस, एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल, जो कि एक लिंक टैग से एच टी एम डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ी है। और यहाँ पे जाके लेट्स गो टू लाइन नंबर 15 एंड क्लिक आउट हेयर। सेलेक्टर होगा हमारा हैश स्टाइल वन, ना कि फुल स्टॉप या पीरियड, स्टाइल वन। यहाँ एक फ़र्क आ जाएगा। प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, लेट्स से बैकग्राउंड कलर, और कौन सा कलर लें, यहाँ से कलर उठा लेते हैं, लेट्स से अब दिस कलर, ओके करते हैं। एंड फिर प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, लेट्स से अबाउट, फिर से कलर। अब देखिए, कलर आपके उसी डिवीजन में टैग सेलेक्टर से भी आ रहा है, क्लास से भी आ रहा है, और अब तीसरी दफ़ा आईडी से भी आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बिल्कुल, जैसे थ्री वे कॉन्फ्लिक्ट, तीन तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तीनों डायरेक्शन में खींचेगा तो आईडी हमेशा जीतेगी। इट्स ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ वेटेज एंड स्पेसिफिसिटी, जो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हावी होने ही वाली है आईडी क्लास पे, क्योंकि वो 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसकी वेटेज स्पेसिफिसिटी 100 है। तो कलर हम ले लेते हैं, कलर बेसिकली मीन्स फॉन्ट कलर, राइट? ले लेते हैं हाँ, अबाउट लेट्स ट्राई ऑलिव, ठीक है, एंड आई से ऐड। मैं बैकग्राउंड कलर शायद ऐड करना भूल गया, नीड टू ऐड इट अगेन, आई डू इट अगेन, फिर से बैकग्राउंड कलर, एंड यहाँ पे जाके आई थिंक लेट्स चूज दिस कलर एंड से ओके, और फिर से ऐड।
सो नो प्रॉब्लम, घूम फिर के वहीं पे आ गए एंड आई से ओके। तो अब देखिए एक यू नो हैश स्टाइल वन आईडी जुड़ गई। ओके सेव करता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाता हूँ। ऑलरेडी मैंने वो आईडी अपने इकलौते डिप पे अप्लाई की हुई है। अब देखते हैं हमारे वेब पेज पे इस सब का क्या असर आता है। सो लेट्स टेक अप अ ब्राउजर प्रीव्यू। ओके रिफ्रेश करते हुए एंड ओके आई थिंक आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम आउट हियर। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया एज वेल एज लेट मी जस्ट रीलोड। फॉन्ट कलर भी अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, जस्ट वांट टू चेक ऑन दैट। ऐसा लग रहा है जैसे कि फॉन्ट कलर अप्लाई नहीं हुआ। लेट मी जस्ट गो बैक एंड चेक एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। सो फिर से एक स्टूडियो सी एस एस में जाते हैं, यू सी हैव अप्लाइड अ बैकग्राउंड कलर एंड अ कलर ऑफ ऑलिव। इसको एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई चेंजिंग दिस टू वाइट। ओके वाइट स्मोक कर देते हैं, वेरी सिमिलर टू द वे द वाइट कलर इज। इसको फिर से सेव करते हैं एंड इनफैक्ट लेट्स सेव ऑल। इस बार ब्रिंग अप द ब्राउजर, लेट्स रीलोड। फॉन्ट कलर अप्लाई नहीं हो रहा है डिव को, लेट मी जस्ट चेक व्हाई। ओके आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया है, फॉन्ट कलर अप्लाई नहीं हुआ है। वो लाजमी है, मैं बताता हूँ वो क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए हमने डिव के ऊपर स्टाइल वन लगाया है, स्टाइल वन कहता है कि भाई आपका बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक होना चाहिए, वाइट स्मोक नहीं अप्लाई हो रहा है। अगर बहुत स्ट्रिक्टली देखें तो ये जो यू नो जो पैराग्राफ पे क्लास लगी है स्टाइल वन स्टाइल टू, स्टाइल वन के हिसाब से ये वाला कलर होना चाहिए, ये अप्लाई हो रहा है, आईडी वाला अप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए उसका एक सिंपल रीज़न है, अगर आपको दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है तो इस तरीके से नहीं करना होगा। फिर मुझे ये आईडी डायरेक्टली यहाँ से कट करके मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, तब रियली ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता, बिकॉज डायरेक्टली उस टैग पे लगाई जा रही है। ये इससे पहले क्या हो रहा था, डिप पे लगा रहा था लगा यू नो एक आईडी और पैराग्राफ पे एक अलग क्लास। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट प्रॉपरली क्रिएट नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट करनी है तो आपको क्लास और आईडी एक ही टैग पे इस तरीके से लगानी पड़ेगी। आई जस्ट शो यू, इफ आई जस्ट यू नो सेव द डॉक्यूमेंट अपना, सेव करके मैं रीलोड करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यू नो किस तरीके से अब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट होगी, वाइट स्मोक कलर वहाँ पे अप्लाई हो गया। ओके तो ये सही तरीका है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का, इसलिए पहले कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा था और यू नो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा था, फॉन्ट कलर अप्लाई नहीं हो रहा था। एनीवेज तो पहले ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, राइट तो क्लास का ही कलर अप्लाई हो रहा था फॉन्ट पे, आईडी का कलर नहीं अप्लाई हो रहा था क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ठीक से क्रिएट नहीं हुआ था वहाँ पे, राइट। सो यू नो सो ये होती हैं आईडीज। IDs अब यू नो आई जस्ट समिट अप। अगले हिस्से अगले भाग में हम लोग बात करेंगे कॉम्पाउंड रूल्स की। कॉम्पाउंड रूल्स होते ही कॉम्पाउंड है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, यूजुअली एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनते हैं, लेकिन वो हम अगले हिस्से अगले भाग में देखेंगे। अभी तक हमने फ़र्क समझने की कोशिश की है टैग सेलेक्टर्स, आईडी सेलेक्टर्स, क्लास सेलेक्टर्स के बीच में थ्रू एग्जांपल्स। अब चूंकि मैं इस डिवीजन पे आईडी स्टाइल वन लगा चुका हूँ, आप देखिए नाम क्लास का भी स्टाइल वन है, आईडी का भी स्टाइल वन है, जानबूझ के लिया गया, लेकिन एक से पहले हैश आता है, दूसरे से पहले फुल स्टॉप आता है जब आप ext.css लिखते हैं, तो दैट्स एक्सेप्टेबल, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये आईडी मैं यहाँ से कॉपी करके इस पैराग्राफ पे नहीं लगा सकता, बिकॉज वो एक बार इस्तेमाल की जा चुकी है, अब दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट्स नॉट रीयूजेबल अगेन ऑन द सेम वेब पेज। हाँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के बाद मैं अबाउट डॉट एच टी एम एल बनाऊँ, वहाँ पर फिर से मैं ये आईडी यूज़ कर सकता हूँ, आई एम अलाउड टू डू दैट। ओके बट एक ही पन्ने पे, एक एलिमेंट पे एक ही बार लगेगी,
IDs are always used in a unique way. Alright, but classes बार बार लगातार आप अलग अलग elements पे इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, सो ये था बहुत बड़ा डिफरेंस ID और क्लासेस के बीच में. कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होती है वो भी हमने देखा. ओके, मैं आपको बता दूं कि जो स्टाइल इनलाइन स्टाइल होता है दैट इज इवन मोर पावरफुल देन एन ID सेलेक्टर बाय 10 times हैज अ वेटेज ऑफ 1000. सो यू नो, अगर मुझे ID को भी क्वैश करना है, ख़त्म करना है, ID के स्टाइल को भी ओवरराइड करना है, देन आई नीड टू अप्लाई एन इनलाइन स्टाइल. यू नो, इनलाइन स्टाइल्स स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू लगाए जाते हैं एंड दे आर ऑलवेज यूज इन द ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग में नहीं इस्तेमाल होते हैं. तो वी यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट एंड देन वी कैन अप्लाई कलर और वट एवर. लेट मी ऑल्सो टेल यू बिफोर ये मैं ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ, हिस्सा ख़त्म करता हूँ, ये भाग ख़त्म करता हूँ, कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पॉर्टेंट कमांड भी होती है जो इनलाइन स्टाइल को भी ओवरराइड कर सकती है. बट अगेन, ये जो ट्यूटोरियल है इट्स अबाउट कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर, ये उसके बारे में बात करती है. ओके, वी स्पेसिफिकली हम कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो ये हिस्सा, ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं. अगले पार्ट में, विच इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व है, जिसका बात करेगा कॉम्पाउंड रूल्स के बारे में. कॉम्पाउंड रूल्स क्यों कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्पाउंड रूल्स लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं, समझने में भी थोड़े यू नो मुश्किल होते हैं, लिखने में भी थोड़े मुश्किल होते हैं. बट अगेन, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान लगेगा आपको. सो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स भी एक कॉम्पाउंड रूल का हिस्सा है. ओके, सो फिर मिलते हैं आपको अगले और आखिरी फाइनल पार्ट में, जो बात करेगा कॉम्पाउंड रूल्स के बारे में. जब अगर डे, बाय बाय.